नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र है उससे संबंधित आपकी जो भी समस्याएं खड़ी हुई हैं, इन इनसे जो भी आपके पक्ष हैं, जो आपके दिमाग में सवाल रहते होंगे, इस क्लास में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक। भारत में बैंकिंग क्षेत्र तो किस संदर्भ में इस चर्चा में अभी क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंकिंग बैंक बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए एक विशेष बैंक को निर्मित करने की प्रक्रिया में है। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें हम लोग तो पंजाब नेशनल बैंक तथा यस बैंक जैसे संकटों ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों के कारण भारत आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी की निगरानी का विचार लाया गया। याद रखिए, जो आपकी आरबीआई है या ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक, ये हमारे भारत की केंद्रीय बैंक है। ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है आपका मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कभी वन डे एग्जाम में पूछ लेता है, कई जगह पूछ लेता है। ठीक है। वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए आपको याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय मुंबई में। ठीक है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सामने जो समस्याएं आई हुई हैं उन्हें देखते हैं। परिसंपत्ति गुणवत्ता। भारत के बैंकों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बुरे ऋणों में वृद्धि है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण गैर निष्पादित अस्थियां यानी कि एनपीए में वृद्धि हुई है। जो एनपीए हैं आपके, ये ऐसे ऋण होते हैं जो उधारकर्ता द्वारा वापस नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार वे बैंक के लिए एक नुकसान है। 31 मार्च 2018 तक अंतिम अनुमानों के अनुसार भारत अर्थव्यवस्था में सकल एनपीए की कुल मात्रा 10.33 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 85% एनपीए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण और अग्रिम से है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक में एनपीए 2.23 लाख करोड़ रुपए यानी कि 2.23 लाख करोड़ रुपए है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों का सकल एनपीए कुछ ऋण कुल ऋण का 50% के रूप में है। 2008 में कुछ कुल ऋण का 2.3% से बढ़कर 2017 में 9.3 यानी कि 9.3% हो गया। पुनर्निर्मित परिसंपत्तियों में भी ने भी बैंक की लाभप्रदता पर दबाव डाला। कुल मिलाकर ऐसे ऐसी स्टेट स्टेट एसेट सिस्टम में कुल लोन का 10.9% हिस्सा होती, और ये केवल ऋण है जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के रूप में पहचाने जाते हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कर्ज का 36.9% जोखिम में है तथा बैंकों में केवल 7.9% नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता है। अतः इन ऋणों के न मिलने पर बैंकिंग सिस्टम की को अत्यधिक हानि होगी। बात करते हैं पूंजी पर्याप्तता। इस प्रावधान के अंतर्गत बैंक बैड लॉन्स के सापेक्ष एक निर्धारित अनुपात में धनराशि हटाकर सुरक्षित रखते हैं। इस धन का उपयोग उधार सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। परिणामतः यह बैंकों के पास अपने विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए कम पूंजी उपलब्ध कराता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीआरएआर में लगातार गिरावट आई है। इसके अलावा बैंक आसानी से धन नहीं जुटा पा रहे हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनके पास ऋणों की संख्या अधिक है। यदि बैंक जल्दी अपनी पूंजी नहीं लगाते हैं तो कुछ आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। ऐसे में वे गंभीर मुद्दों का सामना कर सकते हैं। बात करते हैं विदेशी मुद्रा जोखिम। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में ग्रेट सन ऐसी भारतीय
कंपनियों की अकाउंट्स में महत्वपूर्ण तनाव स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें विदेशों में भारी उधार लिया है। यह तनाव भारतीय बैंकों को ऋण चुकाने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। परिणाम स्वरूप आरबीआई का चाहता है कि विदेश बैंक विदेशी मुद्राओं में अनावश्यक कर्ज न लें। पर है आपकी बैलेंस शीट प्रबंधन। बैलेंस शीट प्रबंधन पिछले कुछ वर्षों में कई बैंकों CRAR के रूप में धन अलग करने में देरी की भविष्य के खराब ऋण के लिए। इसका एक कारण यह है कि एक बैंक के मुख्य अधिकारियों का कार्यकाल कम होता है, जिस दौरान वे उच्च शुद्ध लाभ और निवेशकों को खुश करना चाहते हैं। परंतु यह सोचना चाहिए कि CEO CMD आएंगे और जाएंगे, लेकिन संस्थाएं स्थायी। केवल एक चीज जो उनके अस्तित्व को बनाए रख सकती है वह है एक मजबूत और स्वस्थ बैलेंस शीट। इस तरह की अनियमितताओं दीर्घ काल में हानिकारक है। यह वित्तीय दबावों को झेलने की बैंक की क्षमता को कम करता है। भारतीय बैंक में कमजोर और पूंजी की पर्याप्तता को देखते हुए यह और भी अधिक चिंताजनक है। वास्तव में निवेशक तब अधिक खुश होंगे यदि प्रबंधन उच्च शुद्ध लाभ पोस्ट करने की बजाय समस्याओं को संबोधित करता है और उन्हें दूर करता है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र पर स्थायी समिति की रिपोर्ट। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भारत में 31 अगस्त 2014 2018 को बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि NPA की उच्च मात्रा ने उनकी पूंजी आधार को मिटा दिया है तथा ऋण देने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। समिति की प्रमुख प्राप्तियां और अनुशंसाएं निम्न है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को KNP समिति ने उल्लेख किया है कि उच्च ऋण राइट ऑफ और NPA की समस्या है। निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि PSB के लिए अधिक गंभीर है। हालांकि यह कहा गया है कि एक बार अधिकांश बड़े NPA इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड या अन्य तंत्रों के अनुसार हल हो जाते हैं तो स्थिति PSB के लिए बेहतर हो जाएगी। इस संबंध में समिति ने कहा है कि वर्तमान संकट क्षणिक है और जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का कारण नहीं होना चाहिए। समिति ने NPA के परिणाम स्वरूप PSB की अल्पकालिक आय में सीमित सुधार के बारे में चिंता व्यक्त की है। बैंकों में बढ़ती धोखाधड़ी के कारण समिति ने सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है। जोखिम भारित संपत्ति अनुपात की आवश्यकता पूर्ति के लिए पूंजी का कम होना है। समिति ने नोट किया कि बैंकों को अत्यधिक लाभान्वित होने से रोकने के लिए RBI न्यूनतम CRAR की आवश्यकता 9% है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के लिए बासेल थर्ड मानदंडों से 1% अधिक है। यह सभी PSB पर लागू होता है। समिति ने देखा कि इन बैंकों के लिए CRAR की इतनी अधिक आवश्यकता अव्यवहारिक है और इसमें निम्न छूट मिली। लगभग 5.34 लाख करोड़ रुपए की पूंजी दी जाए, ऋण बढ़ाए और सालाना 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय उत्पन्न करें। इन बैंकों में पूंजी डालने की आवश्यकता से बचें। बात करते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत बैंक। समिति ने अवलोकित किया है कि 11 PSB को पूंजी अपर्याप्तता और उच्च NPA जैसे कारकों के आधार पर RBI द्वारा PSA ढांचे के तहत रखा गया है। इन बैंकों ने ऋण देने और जमा करने की क्षमताओं को प्रतिबंधित कर दिया है। PSB लगाए जाने के बावजूद इन बैंकों में वसूली या तो स्थिर हो गई है या मामूली रूप से बढ़ी है। समिति ने सिफारिश की कि RBI को इन बैंकों को रोडमैप प्रदान करना चाहिए ताकि वे PSA से बाहर निकल सकें और सामान्य परिचालन फिर से शुरू कर सकें। यह देखा गया है कि क्रेडिट उपलब्धता की समस्या को बढ़ाकर PCA के तहत अधिक बैंकों को लाने से बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर पड़ेगा। समिति ने अनुशंसा की कि PCA
के तहत बैंकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और प्रतिबंधों में ढील दी जाए, उनकी समीक्षा की जाए, विशेषतः उन बैंकों के लिए जहां खुदरा बैंकिंग भी प्रतिबंधित है। इसने यह भी सिफारिश की है कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई किन्हीं जरूरी प्रक्रियाओं जैसे कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, सत्य क्रेडिट प्रदान करते से बचा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्रेडिट वृद्धि में बाधा होती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी का प्रदर्शन क्या है उसे भी देख लेते हैं। समिति ने उल्लेख किया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी के तहत बड़े एनपीए का समाधान 270 दिनों की निर्धारित समयावधि की तुलना में अधिक समय ले रहा है। इसने अनुशंसा की है कि एनसीएलटी के संसाधनों को बढ़ाकर उन्हें ऐसे मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बना निपटाने में सक्षम बनाया जाए। इसके अलावा समिति ने कहा है कि कई ऋणदाताओं को अपने कुछ ऋणों के लिए हेयर कट्स, ऋण राशि और जमानत के मूल के बीच अंतर लेना पड़ा। इसने सिफारिश की कि बोली लगाने के लिए एक उचित आधार मूल तय किया जाना चाहिए, ताकि एनसीएलटी में आईबीसी प्रक्रियाओं के दौरान लेनदार द्वारा बड़े हेयर कट से बचा जा सके। पीएसबी के मामले में आरबीआई की सख्ती। समिति ने उल्लेख किया है कि आरबीआई ने कहा था कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई को उपलब्ध कुछ शक्तियां पीएसबी के मामले में उपलब्ध नहीं है। इनमें निम्नलिखित शामिल है: बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक को हटाना और नियुक्त करना, निदेशक मंडल का अधिशेष लाइसेंस देना। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि आरबीआई निम्न कार्य कर सकता है: बैंकों का निरीक्षण करें, वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की नियुक्ति पर सरकार के साथ परामर्श करें, पीएसबी की प्रबंधन समिति में एक बैंक नामित कर सकते। इस संबंध में समिति ने अनुशंसा की है कि सरकार को विभिन्न विधियों के तहत प्रदान की गई पीएसबी के संबंध में आरबीआई की शक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। बात करते हैं पीएसबी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन। समिति ने अनुशंसा की है कि पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन को उच्च पारिश्रमिक दिया जाए, क्योंकि उनके निजी क्षेत्र के समकक्षों के साथ एक व्यापक अंतर मौजूद है। इसके अलावा सुगम संक्रमण की सुविधा के लिए किमिक सीईओ के कार्यालय के बीच एक ओवरलैप प्रदान किया जाना चाहिए। वरिष्ठ बैंकरों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए पीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष निजी बैंकों के समान की जानी चाहिए। इसके अलावा बैंकरों पर किसी कार्रवाई से पहले उन्हें अपने निर्णय को समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। आगे की राय क्या हुई? बैंक हर अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बैंक आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें, अन्यथा एक वित्तीय संकट 2008 में अमेरिका की तरह देश को प्रभावित कर सकता है। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा और आर्थिक विकास को सक्रिय करने और बनाए रखने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। यह भारत में आर्थिक मंदी का समय है। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय संस्थान देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए जमाकर्ताओं के लिए फाइनेंशियल संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सरकार इन मुद्दों से निपटने के लिए आगे कदम बढ़ाए। तो यह आर्टिकल था आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित।